नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अनुसूचित जाति बहुल प्रखंडों में सरकार खोलेगी आवासीय स्कूल। बिहार में चलेगा एक अधूरा दूसरा पूरा अभियान। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षक धराए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 60,000 से अधिक आए आवेदन। लालू यादव के नाम पर आंदोलन शुरू करेंगे तेज प्रताप यादव। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में चलेगा एक अधूरा दूसरा पूरा अभियान। बिहार में लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम एक अधूरा दूसरा पूरा रखा गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 4,63,00,000 के करीब लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 1,31,00,000 के करीब है। ऐसे में इस बड़े अंतर को दूर करने के लिए अब वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत महीने में कम से कम 15 दिन अधिकांश केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी और इस दौरान राज्य में अतिरिक्त केंद्र सक्रिय किए जाएंगे, साथ ही साथ अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा लोगों तक अभियान की जानकारी पहुंचाने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहयोग लिया जाएगा, साथ ही माइकिंग की भी व्यवस्था रहेगी। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षक धराए। पहले से नियोजित कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो अपने गड़बड़ झाला सर्टिफिकेट के दम पर भी धोखे से नौकरी पाने में सफल रहे, लेकिन सरकारी जांच में अब ऐसे शिक्षक धरा रहे हैं। ताजा मामले में बक्सर जिले से ऐसे ही 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट पर नियोजित 3 शिक्षकों पर FIR दर्ज किया है। ये 3 शिक्षक औद्योगिक थाना और सिमरी थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार शिक्षकों में से एक शिक्षक 2003 से ही नियोजित थे और फर्जी मैट्रिक रिजल्ट पर नौकरी कर रहे थे, तो वहीं एक अन्य शिक्षक खुद को 3rd डिवीजन से सीधे 1st डिवीजन बना दिया था, तो वहीं एक अन्य शिक्षिका ने मैट्रिक के साथ साथ इंटर के प्रमाण पत्र में भी हेर फेर कर दिया था। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में आने वाले कुछ दिन सूखे सूखे ही बीतने वाले हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 11 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहने वाला है। मौसम शुष्क हो रहा है, जिस कारण से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस बार मानसून की विदाई लेट से हो रही है, इसलिए ठंड भी थोड़ी लेट से आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अपडेट के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी बंगाल के हिमालय से सटे क्षेत्र के पास बना है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 65वीं BPSC संयुक्त परीक्षा में 131 महिलाओं ने मारी बाजी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम रिजल्ट बीते दिन जारी किया, जिसके बाद से ही पास करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देने वालों का तांता सा लग गया है। इस बार भी महिलाओं ने बाजी मारी है। कुल 422 सफल अभ्यर्थियों में से 131 महिला अभ्यर्थी सफल रही है। यहाँ तक कि सेकंड टॉपर चंदा भारती आई है, साथ ही टॉप 20 में 6 महिला अभ्यर्थी सफल हुई है। इन सभी को बिहार प्रशासनिक सेवा में चुना गया है। बताते चले कि आयोग ने इस बार 64वीं के रिजल्ट जारी करने के महज 4 महीने में ही 65वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। अब 65वीं के जरिए 14 विभागों में करीब 422 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 60,000 से अधिक आए आवेदन। बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा की। इस दौरान कई बातों का पता चला। जानकारी के मुताबिक इस साल 8,000 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य था, जिसके लिए कुल 62,324 आवेदन मिले हैं। ऐसे में उद्योग मंत्री ने साफ कहा है कि लाभार्थियों को चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी की जाएगी, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी भेदभाव की गुंजाइश नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि उनके आवेदन को किस आधार पर स्वीकार या फिर अस्वीकार कर लिया गया था। इसके साथ ही सभी जिले के उद्योग विभाग के महाप्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दिसंबर से पहले से चल रहे 2 मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में चयनित उद्यमियों का बकाया किस्त उपलब्ध करा दे। इसमें किसी बहाने से देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में 2 जिलों से नए कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,35,288 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में 4 नए संक्रमित की पहचान हुई है। इसके तहत पटना और भागलपुर जिले से 2-2 नए मरीज की पहचान हुई है। इस दौरान 1 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है, तो वहीं अब रिकवरी दर 98.66% हो गया है।
एसएससी ने सीजीएल और सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के लिए जारी किए डेट। बिहार के अधिकतर युवा जो एसएससी एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए एक अहम खबर है। एसएससी ने ग्रेजुएट लेवल की सीजीएल और 10+2 लेवल के सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2022-21 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत जिन उम्मीदवारों ने एसएससी सीजीएल टीयर 2, टीयर 3 और सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा 2020 के लिए क्वालिफाई किया था वे इन भर्ती परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। भर्ती परीक्षा तारीखों का नोटिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि ये परीक्षाएं अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच में होगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग अलग विभागों में असिस्टेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट जूनियर ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और अपर डिविजन क्लर्क समेत कई पद शामिल है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालुगण। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने के बाद दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति में श्रद्धालुगण सुबह से ही सराबोर दिखे। इनकी पूजा को विधि विधान से करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दूसरी दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी को पृथ्वी लोक के समूचे चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। भविष्य पुराण में माता के नाम के व्यापक स्वरूप को बताया गया है, जिसका अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये अपने एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं तो दूसरे हाथ में जप की माला थामे हुए हैं। इस मौके पर आज सुबह से ही राजधानी पटना के दो बड़े शक्तिपीठों बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। राजद के दावे पर मंत्री नितिन नवीन ने कसा तंज। विधानसभा उपचुनाव में हर पार्टी अभी से ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रही हैं, तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा राजद के अपने उम्मीदवार उतारे जाने के बाद से वे भी जीत की बात कह रहे हैं, जिस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने उन्हें पुरानी बात याद करने की नसीहत दी है। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा हमेशा अच्छा करते हैं। बिहार में पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे थे, फिर जो हुआ सब आपके सामने है। अभी भी दावा उनका उसी प्रकार का है। वह यह भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन क्या, अब तो राजद परिवार भी एकजुट नहीं है। अनुसूचित जाति बहुल प्रखंडों में सरकार खोलेगी आवासीय स्कूल। जल्द ही अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में बिहार सरकार आवासीय स्कूल खोलने वाली है। यह फैसला मुख्यमंत्री ने बीते दिन किया जब वे SC/ST कल्याण विभाग के योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इसे लेकर सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति की 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले प्रखंडों में SC/ST मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरूरी चीजों का आकलन कर ले। साथ ही उन्होंने SC/ST छात्र छात्राओं को उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आदेश दिया। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आवासीय विद्यालयों में दीदी की रसोई के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मेस चलाया जा सकेगा। नवंबर में शुरू होगा अटल पथ के दूसरे चरण का निर्माण। पटना के अटल पथ के फेज 2 के निर्माण में आ रही जमीन की समस्या का निदान हो गया है। ऐसे में अगले महीने से इस चरण के लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसे मार्च 2022 तक गंगा पाथवे में मिलाने की योजना है, जिसके लिए सरकार FCI की 1.13 एकड़ जमीन के लिए 12 करोड़ रुपए देगी। आपको बताते चले कि दूसरे चरण के सड़क निर्माण के लिए FCI से मिलने वाली जमीन में पटना के 3 पुराने गोदामों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद वहां सड़क निर्माण होना है। तो वहीं दीघा में फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है, उससे आगे सड़क निर्माण के लिए जमीन की समस्या बनी थी जो कि अब दूर हो गई है। लालू यादव के नाम पर आंदोलन शुरू करेंगे तेज प्रताप। लालू प्रसाद यादव की खुद की पार्टी RJD में उनके ही बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों हाशिए पर दिख रहे हैं। ऐसा साफ दिख रहा है कि पूरी RJD ही तेज प्रताप यादव को बॉयकॉट कर रही है, और इस बात का एहसास शायद तेज प्रताप यादव को भी बखूबी है। इसलिए वे अब अपनी खुद की बनाई छात्र जनशक्ति परिषद के साथ JP आंदोलन की तर्ज पर ही लालू प्रसाद आंदोलन करने वाले हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने अपने आवास पर आयोजित छात्र जनशक्ति परिषद बैठक में दी। इसके तहत वे अपनी युवा टीम के साथ 11 अक्टूबर को शांति मार्च निकालकर पटना गांधी मैदान से खाली पैर JP आवास चरखा समिति तक आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार JP आवास से आंदोलन की अनुमति नहीं देगी, लेकिन किसी को भी डर कर भागना नहीं है। साथ ही उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए जेल भरो आंदोलन चलाने की भी बात कही। तेज प्रताप और मीसा भारती की अनदेखी पर कांग्रेस BJP ले रही चुटकी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान सिर्फ राजद कांग्रेस के रिश्ते में ही नहीं बल्कि RJD परिवार के अंदरूनी रिश्ते में भी दरार दिख रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि RJD के स्टार प्रचारक की लिस्ट कह रही है। दरअसल उपचुनाव के लिए RJD के स्टार प्रचारक की जो लिस्ट तैयार की गई उसमें तेज प्रताप यादव और मीसा भारती का नाम नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और JDU के साथ ही कांग्रेस भी अब मजे ले रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने तेज
प्रताप को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर किया, तो वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप यादव और मीसा भारती को निकाल दिया गया। अब सीधा सारा है कि ये दोनों अपना अलग अलग रास्ता तलाश ले। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर पटना से लेकर दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। लोजपा के संस्थापक और केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान आज अपनी पहली पुण्यतिथि पर याद किए गए। उनकी पुण्यतिथि को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ उनके भाई व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज पटना में एक बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं यह कार्यक्रम उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित आवास पर पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया। बताते चले कि पुण्यतिथि के मौके पर दोनों खेमों की तरफ से अलग अलग आयोजन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। दीपक चाहर ने स्टेडियम में ही कर ली सगाई। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और फिलहाल सीएसके के लिए खेल रहे स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बीते दिन अपनी गर्लफ्रेंड से स्टेडियम में ही सगाई कर ली। बता दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच महामुकाबला के बाद चाहर ने अपनी नई पारी की शुरुआत सबके सामने मैदान पर की। मैच की समाप्ति के कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की उंगली में सगाई की रिंग पहना दी। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है, में वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाकर प्रपोज कर रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में चाहर लिखते हैं स्पेशल मोमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आरजेडी और बिहार कांग्रेस के बीच चल रहे मतभेद का क्या कारण हो सकता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।